सबको प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर आप सबको शांति दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, आप आशीष पा रहे हो और प्रभु की इस उपस्थिति इस समय आपके साथ है। और मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर आज आपके दिलों को छुए, आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम यीशु मसीह का ये सामर्थी संदेश, परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में गहराई से कार्य कर सके, ताकि हमारा पारिवारिक जीवन खूबसूरत बन सके, यीशु मसीह के नाम में आमेन। सो आज मैं आपके साथ एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ और वो है फैमिली सीरीज। एक परिवार के ऊपर मैं अगले कुछ एपिसोड्स में आपके साथ बात करूंगा और मैं शुरुआत करूंगा एक पुरुष से, एक मैन से, एक मनुष्य से। तो मैं चाहता तो बच्चों को पहले ले आता या औरतों को पहले ले आता, लेकिन हम देखते हैं बाइबल में पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया। तो अगर वहां से ऑर्डर है तो बाकी सब नीचे की चीज़ें, बाकी सब नीचे के डिसऑर्डर सही जगह आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे परिवारों में देखते हैं जब पति लोग या हस्बैंड्स या फादर अपनी जिम्मेवारी परिवार में नहीं निभाते तो परिवारों में ऑर्डर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम गॉडली ऑर्डर के साथ चलेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह है, हम जानते हैं, जो एक पुरुष का सिर है, जिन्होंने अपने आप को हमारे लिए बलिदान दे दिया, जिन्होंने हमसे प्यार किया। तो ऑफकोर्स परमेश्वर सबसे पहले है। और फिर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने परिवार में एक ऑर्डर बनाया है। तो ये नहीं है कि किसी व्यक्ति का दर्जा नीचे हो गया, या अगर कोई औरत है तो वो नीचे की जाति है और बच्चे हैं वो उससे भी नीचे की जाति, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक पारिवारिक सिस्टम है, परमेश्वर का एक ऑर्डर है। पुरुष और औरत बिल्कुल बराबर हैं। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है। सो प्रभु यीशु मसीह में हम सब लोग बराबर हैं, तो सबको बराबर का दर्जा मिला है। लेकिन पारिवारिक तौर पर हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसे ऑर्डर बनाया, बिल्कुल वैसे जैसे दफ्तरों में ऑर्डर होता है। तो बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी औरतें काम करती है, लेकिन हम देखते हैं ऑफिस में एक मैनेजर होता है जो सारे वर्क को देखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर की जाति ऊंची है, लेकिन कार्य पूरा करने के लिए, एक ऑर्डर लाने के लिए, तो वहां पर ऑफिसेज में भी ऑर्डर को बनाया जाता है। तो अगर हम देखते हैं ऑफिसेज में ऑर्डर की जरूरत है, पार्लियामेंट में भी ऑर्डर बनाया जाता है, हर चीज में ऑर्डर है, तो क्यों हमारे घर में भी क्यों ये ऑर्डर नहीं होना चाहिए, और खासकर जब परमेश्वर की ओर से ये ठहराया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं पुरुषों, मनुष्य, आदमी से शुरुआत करूंगा और परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। खासकर मैं 10 जिम्मेवारियां जो परमेश्वर ने आदम को या आदमी को सौंपी है उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हम इस बात को समझें और इसको अपनी जिंदगी में लें। तो अक्सर हम देखते हैं आदमी लोगों को यही लगता है कि हमने चलो रोटी पानी कमा लिया, घर में राशन डाल दिया, महीने का राशन है, हमने अपनी जिम्मेवारी निभा लिया। लेकिन और भी बहुत कुछ है जो परमेश्वर चाहते हैं एक आदमी करे, और अगर हम वो करेंगे हमारा परिवार एक खूबसूरत परिवार बन जाएगा, एक ऐसी तस्वीर बन जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को हमारा परिवार जाहिर करेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारा परिवार ऐसा ही हो। सो पहली बात जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो पहला कार्य परमेश्वर ने, पहला जिम्मेवारी जो आदम को दिया, वो था टू वर्क, काम करने का, काम करने का। इसके बारे में हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 में, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और इसकी 15 आयत में ऐसे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे या उसको संभाले। तो यहां हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको अदन के बाहर नहीं रखा, अदन के अंदर रखा जहां परमेश्वर उसके साथ चलते थे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति में रखा, उसको परमेश्वर ने अपनी इच्छा में रखा। परमेश्वर की इच्छा थी आदम अदन की वाटिका में रहे और हमेशा के लिए जीवित रहे और जीवन के वृक्ष से खाता रहे। तो यहां पर हम देखते हैं एक बहुत जरूरी है, एक पुरुष चाहे वो कितना जिम्मेवार भी क्यों ना हो, अपने परिवार के लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करता हो, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा के बीच में नहीं है, अगर वो प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए जीवन जीना नहीं जानता, तो वो अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूक गया है। याद रखें, हमारा परिवार, हमारी जिंदगी तब तक फलवंत नहीं होगी, तब तक खूबसूरत नहीं बनेगी, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को जाहिर नहीं
नहीं कर पाएंगे जब तक हम उस अदन की वाटिका में नहीं। सो एक आदम को, एक मनुष्य को, एक पुरुष को, एक घर के पति को और एक घर के पिता के लिए जरूरी है उसका परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध हो, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखे, दूसरे शब्दों में परमेश्वर की इच्छा के अंदर जीवन जीना सीखे। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया अदन की वाटिका में रखा, लेकिन हम जानते कैसे पुरुष से गुनाह हो गया, पाप हो गया, आदम ने परमेश्वर से अपनी नजरों को हटा लिया। अब उसकी नजरें सिर्फ अपनी पत्नी की बातों पर लगी थी। ये नहीं मैं कह रहा कि पत्नी की बात मत सुनो, ऐसा नहीं है, हम इसको नेगेटिवली मत ले लें, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कुछ ऐसी बातें थी जिस पर उसको परमेश्वर की बातों को अहमियत देनी चाहिए थी, लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे उसने परमेश्वर की बातों को अहमियत देना बंद कर दिया और स्त्री की बातों को अहमियत दे दिया। तो जो गलती किसकी थी, गलती आदम की थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पहले बनाया, उसके साथ उसके पास परमेश्वर के साथ चलने का थोड़ा लंबा अनुभव था, परमेश्वर ने सीधी उससे कुछ बातें की थी, और लेकिन हम देखते हैं आदम अपनी जिम्मेवारी को निभा नहीं पाया। तो परमेश्वर ने 2:15 में लिखा, उत्पत्ति किताब, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे। ऑफकोर्स परमेश्वर ने आदमी को कार्य सौंपा है। क्या कार्य सौंपा है? सिर्फ यही नहीं सौंपा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अपनी नौकरी पे जाओ और घर में जाकर मेज पर पैसा रख दो या राशन पानी रख दो। परमेश्वर ने उसे काम करे और उसकी रक्षा करे, यानी कि अपने परिवार को संभालना भी है। सो एक पुरुष का जिम्मेवारी सिर्फ यही नहीं है अपने परिवार के लिए प्रोवाइड करना, प्रोविजन करना, लेकिन उसकी रक्षा भी करना है। किन बातों से रक्षा करना है? सिर्फ चोरों से रक्षा नहीं करना, सिर्फ किसी दुश्मन से रक्षा नहीं करना अपने परिवार की, लेकिन गुनाह अंदर आने से भी रक्षा करना है, पाप अंदर आने से भी रक्षा करना है। जैसे बाइबल में हम अय्यूब का उदाहरण पढ़ते हैं, कैसे वो हर साल परमेश्वर के आगे बलिदान करने चढ़ाने जाता था, आराधना करने जाता था, और उसके और अक्सर वो बलिदान दिया करता था क्योंकि वो ये सोचता था कि कहीं मेरे बच्चों से कोई गुनाह या पाप तो नहीं हो गया, यानी कि उसको अपने परिवार की आत्मिक स्थिति की चिंता थी। सो ये है पुरुष, ये है आदम, ये है आदमी, एक सच्चा आदमी, परमेश्वर के साथ चलने वाला आदमी जो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर को जाहिर कर रहा है। यहां पर हम देखते हैं क्या करता था वो अपने परिवार की चिंता करता था, उसको बच्चों की चिंता थी, उसको ये था कहीं उनसे कोई परमेश्वर के खिलाफ गुनाह तो नहीं हो गया। तो इसलिए एक आदमी की जिम्मेवारी है अपने घर में वचन सिखाने की, वचन बोलने की, अपने घर में परिवार में देखने की कि कहीं ऐसी बातें हमारे घर में तो नहीं आ गई जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक ना हो। तो अगर आदमी लोग ये जिम्मेवारी को बखूबी संभालेंगे, आप देखोगे आपका परिवार खूबसूरत बन जाएगा। बहुत सारे आदमी लोग बहुत सारी ऐसी आत्मिक बातों को औरतों के ऊपर छोड़ देते। मैं नहीं कहता कि औरतें कमजोर हैं, मैं नहीं कहता ये औरतें कार्य नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने ये जिम्मेवारी एक पुरुष को, एक आदमी को सौंपा है अपने घर को चलाने के लिए, संभालने के लिए। सिर्फ एक उसको सिर करके नहीं ठहरा दिया कि वो अपने परिवार पर रोब रखे, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस रीति से ठहराया है ताकि वो अपने परिवार को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला सके और ताकि वो परिवार एक अच्छा नमूना, एक उदाहरण बन सके और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उस घर के ऊपर बनी रह सके। तो एक आदमी की जिम्मेवारी है अपने घर में आत्मिक देखभाल करने की। हम देखते हैं अक्सर संडे मीटिंग्स में देखते हैं, बहुत सारी कलीसिया में वर्ल्ड ओवर देखते हैं, ज्यादातर ऐसी कलीसियाएं, कुछ ऐसी भी थी जहां पुरुष ज्यादा थे, लेकिन ज्यादातर कलीसियाओं में औरतें ज्यादा थी। और हो सकता है आदमी इसलिए नहीं आए क्योंकि वो अपने कामों में निकल गए, वो अपने रिश्तेदारों में निकल गए, वो अपने मित्रों में निकल गए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इससे पता लगता है कि अभी भी वो ऑर्डर नहीं आया जो एक परिवार के अंदर आना चाहिए। अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें, परसेंटेज के हिसाब से देखें, इस दुनिया में पुरुषों की गिनती औरतों से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद औरतें मीटिंग्स में ज्यादा होती हैं बजाय कि पुरुषों के। और बहुत सारी ये चीजें उन्होंने औरतों को सौंप दी है, प्रार्थना करना तुम्हारा काम है, मैं काम करूंगा और फिर घर आऊंगा और जरूरतों को पूरा कर दूंगा। इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कई बार इबलीस शैतान परिवारों में और घरों में हमला करता है। ये नहीं कि स्त्रियां प्रार्थना नहीं कर रही, लेकिन प्रॉब्लम यह है। ये नहीं कि औरतों की प्रार्थनाओं में शक्ति नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है घर में डिसऑर्डर है।
और इबलीस शैतान हमेशा डिसऑर्डर को देखता रहता है, डिसऑर्डर को ढूंढता है, ताकि उस रीति से किसी ना किसी तरीके उस घर में घुसकर कुछ ना कुछ चुराने की कोशिश करे, या शांति चुराने की कोशिश करे, या ये घर वैसे ना चल पाए जैसे परमेश्वर ने सोचा है, या इस घर में परमेश्वर की इच्छा पूरी ना हो सके। तो एक पति की एक ये आत्मिक जिम्मेवारी है, परमेश्वर की ओर से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने घर की रक्षा करे इबलीस शैतान की चीजों से, पाप की चीजों से, बुराई की चीजों से, संसारिक की चीजों से। तो आज मैं कहना चाहता हूं, पुरुषों को उठने की जरूरत है। हम देखते हैं संसारिक पुरुष क्या करते हैं, बहुत सारे व्यभिचार में खोए हुए हैं, नशे शराब में खोए हुए हैं, मित्रों दोस्तों की संगति में खोए हुए हैं, जबकि उनको आत्मिक जीवन में खड़े हो जाना चाहिए था। और आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं उस जिम्मेवारी में खड़े होने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में खड़े होने के लिए, पुरुष बनने के लिए, एक सच्चा पुरुष जो अपने परिवार की रक्षा करता है और उसको परमेश्वर के मार्ग पर चलाता है और उसका मार्गदर्शन करता है। याद रखें, उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, यानी कि परमेश्वर चाहते थे कि जब हवा आदम को देखे या उसके बच्चे जब आदम को देखे, उनको परमेश्वर का स्वभाव दिखाई दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया, उसी प्रकार से एक पुरुष की जिम्मेवारी है कि वो परमेश्वर की एक सही तस्वीर को, एक सही इमेज को अपनी जिंदगी के द्वारा अपने परिवार के ऊपर जाहिर कर सके, ताकि परिवार और बच्चे भी जान सके ऐसे हमें अपने जीवन को जीना है, ऐसे हमें अपनी जिंदगी को बिताना है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, परमेश्वर ने आदम से क्या कहा, परमेश्वर ने आदमी से क्या कहा, इसके बारे में योशू का पहला अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1:9 में इसके बारे में लिखा है। और यहां कहा गया है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो यानी कि अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा है, अब दूसरी बात जो परमेश्वर कहते हैं पुरुष से, तो डर मत, तू अपने परिवार के लिए मत डर, तू अपने बच्चों के लिए मत डर, तू वो कर जो तुझे करना है और मेरे पर भरोसा रख, मेरे पर भरोसा रख। यानी कि एक पुरुष जो मसीह की तस्वीर को जाहिर करता है वो विश्वास करने वाला पुरुष है। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह तूफान के बीच में थे, और बाइबल में लिखा है चेले भी साथ थे और वो किश्ती में सोए हुए थे, लेकिन ये मत सोचे कि वो आत्मिक तौर पर भी सोए हुए थे। वही है जिसने पानी को और नदी को और जल को और आकाश और तारों को संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। तो हम देखते हैं सारे डरे हुए थे और चेले उठाते हैं और कहते हैं प्रभु आपको हमारी चिंता नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा विश्वास कहां है। उस लहरों के बीच में भी, उस तूफान के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा आदम यानी कि आदमी बन के आया, दूसरा आदम, पहला आदम परमेश्वर की सही तस्वीर दिखा नहीं पाया, दूसरा आदम यानी कि प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर खुद आया, और अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सही तस्वीर को जाहिर किया जैसा पहले आदम को करना चाहिए था या किसी भी ऐसे आदमी को जो इस संसार में रहता है, और वो है विश्वास जाहिर करना। यहां पर हम देखते हैं वो डरे नहीं, उनका मन कच्चा नहीं हुआ, वो घबराए नहीं, उन्होंने हयाब रखा, उन्होंने विश्वास रखा। तो ये दूसरी एक परमेश्वर की ओर से आज्ञा है, या दूसरे शब्दों में एक खासियत है, एक क्वालिटी है जो हर एक मनुष्य के बीच में होनी चाहिए, और या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो अपने परिवार में, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, जरूरतों के प्रति परमेश्वर पर विश्वास रखना, और खुद भी है आप बांधना और परिवार को भी करेज देना, परिवार को भी करेज देना, कहना कोई बात नहीं परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि जब आदमी परिवार में डगमगा जाता है, जब आदमी हिल जाता है तो पूरा परिवार हिल जाता है, क्योंकि यही एक गॉडली ऑर्डर है जो परमेश्वर ने सेट किया। इसलिए बहुत जरूरी है तूफानों के बीच में, आंधियों के बीच में परमेश्वर का वचन पुरुषों से बोलता है, आदमियों से बोलता है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हयाब बांधो, विश्वास में दृढ़ हो जाओ, विश्वास में मजबूत हो जाओ, विश्वास में बलवंत हो जाओ,
ये परमेश्वर आज पुरुषों से, आदमियों से, पतियों से, भाइयों से आज ऐसा बोल रहे हैं, आपको विश्वास का प्रदर्शन करना है, आपको परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखना है, दूसरों को आपके जीवन में तूफानों के बीच में भी विश्वास दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आपका यही विश्वास आपके लिए, आपके घराने, आपके परिवार के लिए एक बहुत सीधा रास्ता खोल देगा, एक परमेश्वर की ओर से दरवाजा खोल देगा। जब आप ऐसा विश्वास अपने जीवन में और अपने परिवार में दिखाओगे, तो आपको अपने परिवार के अंदर परमेश्वर पर विश्वास करने का एक नमूना बनना है, बिल्कुल वैसे जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम के बारे में देखते हैं, वो एक अच्छा नमूना था, सारा ने अब्राहम के विश्वास को देखा और इस कारण से उसके अंदर भी हयाब आया अब्राहम के साथ किसी भी ऐसी जगह में जाने के लिए जो कि कठिन जगह थी। यहां तक हवा ने अपनी जिंदगी को रिस्क में भी डाल दिया, इसके बारे में मैं आपके साथ आने वाले एपिसोड्स में बात करूंगा। तो हम देखते हैं अब्राहम एक विश्वास का जन था, इसलिए वो धर्मी गिना गया। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया, याद रखे नूह की पत्नी ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था, नूह के बच्चों ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था, नूह ने सुना था और उसका परिवार उसका परमेश्वर पर विश्वास वाले जीवन को जानते थे, इसीलिए किसी भी कठिनाई और मुश्किल में वो साथ देने को तैयार थे, वो जहाज बनाने को तैयार हो गए। बेशक हो सकता है उस समय संसार के लोगों ने उनका मजाक बनाया हो, उनको मूर्ख कहा हो, लेकिन फिर भी पूरे परिवार ने साथ दिया, क्योंकि वो जानते थे हमारा पिता परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। तो आपको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए आपको विश्वास का प्रदर्शन करना है, आपको विश्वास दिखाना है, आपको बताना है मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास दिखाया, यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसका प्रदर्शन किया, यानी कि जब यहोशू और कालेब को मूसा ने भेजा और जब दूसरी लैंड को सर्वे करके आए, तो हम देखते हैं इन दोनों के अंदर कोई भी डर नहीं था, इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास को दर्शाया। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं प्रदर्शित किया, दिखाया लोगों को, कहा ये देखो हमारा परमेश्वर पर विश्वास है, दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा है लेकिन हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें विजय देगा। दाऊद ने पुरुषार्थ को दिखाया और किस प्रकार से हम वचन में पढ़ते हैं, उसने गोलायत को हरा दिया, उसने गोलायत को मार डाला और कैसे इज़राइल कौम को फिलिस्तीन लोगों के ऊपर विजय मिला। आपके परिवार को विजय कैसे मिलेगा, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, हयाब बांधोगे, करजिए से हो जाओगे, डरोगे नहीं, आपका मन कच्चा नहीं होगा, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और आप देखोगे परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। ये थी दूसरी खासियत या दूसरी जिम्मेवारी या दूसरी आज्ञा जो परमेश्वर की एक मनुष्य के जीवन में है, एक पुरुष के जीवन में है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, यानी कि परमेश्वर पर विश्वास करो। तीसरी बात जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं वो है पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और 13 आयत में, यहां पर ऐसा लिखा है, 1 Corinthians chapter 16 and verse 13, और यहां पर ऐसा लिखा है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, बी वॉचफुल, स्टैंड फर्म इन फेथ, एक्ट लाइक मैन, बी स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर कुछ बी वॉचफुल पहली बात, स्टैंड फर्म इन फेथ दूसरी बात, तीसरी बात लिखा है एक्ट लाइक अ मैन, तीसरी बात बी स्ट्रॉन्ग। इनमें से कुछ बातें मैं अगले पॉइंट में पकड़ूंगा क्योंकि इस आयत में बहुत गहराई है, लेकिन एक दो बातें मैं यहां से लेना चाहूंगा। पहला है जागते रहो, जागते रहो। तो क्या परमेश्वर कह रहे हैं, जागते रहो, यानी कि आपका आत्मिक जीवन एक स्थिर आत्मिक जीवन होना चाहिए, स्थिरता का जीवन होना चाहिए। सो आदमियों को अपनी जिंदगी में, पुरुषों को, पतियों को, पिता को, एक स्थिरता का जीवन जीना है, हर एक को स्थिरता का जीवन जीना है। ये जैसे मैंने कहा ये संदेश सबके लिए है, लेकिन मैं आज भाइयों के ऊपर फोकस कर रहा हूं, लेकिन संदेश सबके लिए, हर कोई इसमें से ले सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं जागते रहो, सो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जागते रहो। दूसरे शब्दों में जागते रहो शब्द बाइबल में प्रार्थना के लिए भी कहा गया है, यानी कि एक आदमी को एक प्रार्थना वाला व्यक्ति होना चाहिए। अय्यूब अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था। बाइबल में हम ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो प्रार्थना करने वाले पुरुष थे। अक्सर जैसे मैंने कहा प्रार्थना आदमी लोग बहनों को दे देते, कहते हैं तुम्हारी जिम्मेवारी है तुम करो प्रार्थना, लेकिन आदमियों को अपना जिम्मेवारी निभाना होगा, आत्मिक तौर से जागते रहना होगा,
परिवार का आत्मिक देखभाल करना होगा, दुश्मन से बचाना होगा, और लेकिन प्रार्थना जीवन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने अधिकार दिया है, जिसके द्वारा आप अपने परिवार में परमेश्वर की आशीष को देखोगे। तो जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, जिसके बारे में मैंने पिछले पॉइंट में आपसे बात किया। पुरुषार्थ करो, यानी कि एक्ट लाइक अ मैन। तो कैसा एक्ट करना है? एक पुरुष की तरह एक्ट करना है। आज पुरुषों का एक्ट कैसा है? मुझे याद है बहुत पहले एक एडवर्टाइजमेंट टीवी पर चलता होता था, करीब 15-20 साल पहले, और वह एडवर्टाइजमेंट ऐसा था, सिगरेट इन माय हैंड आई फेल्ट लाइक अ मैन। तो हम अक्सर देखते हैं, तो वो बाद में दिखाते हैं कैसे उसको कैंसर होता है और कैसे उसका परिवार बुरी तरह से बिखर जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे संसारिक समाज में शराब पीना, लड़ाई करना, डॉन बन जाना, एक ऐसा व्यक्ति जिससे सारे डरते हैं, घबराते हैं, ऐसा व्यक्ति बनना, लोग कहते हैं ये है आदमी, ये है मर्द, ये है आदमी, ये पुरुषार्थ दिखा रहा है, यानी कि एक मैन की तरह एक्ट कर रहा है, ओ इसमें बहुत गुस्सा है, ये है आदमी। तो हम देखते हैं संसार आदमी की एक गलत तस्वीर को जाहिर कर रहा है और एक गलत तस्वीर को अपना लिया है। याद रखे बाइबल में क्या लिखा है, उत्पत्ति किताब, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मान लो अगर परमेश्वर डॉन की तरह होते, मान लो परमेश्वर हर समय गुस्सा दिखाने वाले होते, मान लो परमेश्वर बड़े रोबदार होते और वो कलीसिया से प्यार ना करते, अपनी जान हमारे लिए ना दे देते, जान लिया नहीं, जान दे दिया हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, चाहते तो सबकी जान ले लेते एक सेकंड में। ये पापी दुनिया जो अपने तौर तरीकों से चल रही है, परमेश्वर एक सेकंड में सब कुछ खत्म कर देते। लेकिन क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया उस आदम ने, क्या किया वो दूसरे आदम ने, जब परमेश्वर आदम बन के आया, आदमी बन के आया और बताया आदमी कैसा होना चाहिए, क्या किया? अपना जान दे दिया, अपना जिंदगी दे दिया, और एक्ट किया एक पुरुष की तरह, प्रेम दिखाया, नम्रता दिखाई। नम्रता प्रभु यीशु मसीह में एक बहुत बड़ी खासियत थी। ये परमेश्वर का स्वभाव है। बाइबल में क्या लिखा है, उसने अपने आप को परमेश्वर के तुलने में रखने की वस्तु ना समझा, यानी लेकिन वो शून्य बन गया, पुरुष आदमी बना, दास का रूप धारण कर लिया, दास का रूप, उसने अपने आप को झुकाया। नम्रता कोमलता दिखाई, प्रेम दिखाया, सच्चाई दिखाई, विश्वास दिखाया, कंपैशन तरस दिखाया। यह है पुरुष जिसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका में इसी रीति से बनाया। लेकिन हम देखते हैं कैसे पुरुष का चरित्र बिगड़ गया। तो आपको आज संसार की नकल नहीं करनी, फिल्मों की नकल नहीं करनी, ड्रामों की नकल नहीं करनी कि ऐसा होता है पुरुष। आपको देखना है प्रभु यीशु मसीह, यानी कि खुद परमेश्वर जब मनुष्य बन के आया, उसने बताया पुरुषों आदमियों तुम्हें ऐसे जीना है, ये है आदमी, ये है पुरुष। सो यानी कि यहां लिखा है एक्ट लाइक अ मैन, पुरुषार्थ करो, यानी कि एक आदमी का ये भैया प्रदर्शन करो, एक आदमी करके अपने आप को दिखाओ। तो अगर आप कह रहे हो मैं बहुत गुस्से वाला हूं, ये भी तोड़ देता हूं, वो भी तोड़ देता हूं, आप आदमी की तरह स्वभाव नहीं करे, क्योंकि आदमी ऐसा नहीं होता, आदमी ऐसा नहीं होता ना, अरे हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, मार डालेंगे, बदला लेंगे, ये करेंगे वो, आदमी ऐसा नहीं होता, ये आदमी नहीं है, ये सही चरित्र नहीं है। यहां पर हम अपने परमेश्वर पिता का स्वभाव जाहिर नहीं कर रहे, इबली शैतान का स्वभाव जाहिर कर रहे हैं। तो इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, अरे आदमी की तरह। आज हम देखते हैं, अफसोस की बात है मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम आदमी हैं या हम इंसान हैं, लेकिन उनका बर्ताव एक जानवर से भी बदतर। ऐसे भी है, बहुत लोग क्रूअल हैं, कत्लेआम करते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, कमजोर का फायदा उठाते हैं, जबकि आदमी क्या करता है, कमजोरों को बल देता है। एक आदमी का काम है कमजोर को हिम्मत देना, उनकी ताकत बन जाना। लेकिन हम देखते हैं बहुत जगह ऐसे आदमी हैं जो कमजोर के ऊपर प्रभुता करके कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये आदमी नहीं है, ये ऐसा आदमी नहीं है जैसा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रचा था। आदम की और हमें अच्छा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। परमेश्वर ने कहा मैं खुद आदम बन के चला जाऊंगा, वो शब्द ने कहा मैं खुद आदम बन के चला जाऊंगा, ताकि मैं पुरुषों को आदमी को दिखा सकूं और बता सकूं कि तुम्हें
कैसा तुम्हारा चरित्र होना चाहिए, एक आदमी कैसा होता है। तो एक आदमी वो नहीं है जो सिर्फ शारीरिक तौर से, बाहरी तौर से आदमी दिखता है, लेकिन याद रखें परमेश्वर क्या देखते हैं, अंदर देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, करैक्टर देखते हैं, विचारों को देखते हैं। तो परमेश्वर का किसी को जांच करना कि कोई आदमी की तरह व्यवहार कर रहा है या नहीं, उसके करैक्टर पर, उसके स्वभाव पर डिपेंड करता है। हो सकता है बाहर से एक व्यक्ति आदमी की तरह दिखता हो, आदमियों की तरह कपड़े पहने हो, सब कुछ वैसा हो, कटिंग भी आदमी की तरह हो, दाढ़ी भी आदमी की तरह हो, लेकिन जब परमेश्वर उसको अंदर देखते हो, परमेश्वर कहते हो इसमें मुझे आदमी दिखाई नहीं देता, इसमें कुछ और ही है। तो यानी कि हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव के द्वारा, हमारे चाल चलन, हमारे फैसले, इन सब चीजों के द्वारा जरूरी है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को, एक असली आदमी, एक बी लाइक अ मैन, प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आए, जैसे लिखा गया है बिहोल्ड द मैन, देखो आदमी को, ये है आदमी, ऐसा होता है आदमी, ऐसे बनना है और ऐसे जीना है आदमी को। तो यहां पर हम ऐसा ही देखते हैं, पुरुषार्थ करो, और आखिर में लिखा है बलवंत बनो, बलवंत बनो, परमेश्वर में बलवंत हो जाओ, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो, फीसियो 6 अध्याय में लिखा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो आपको एक आदमी, एक पति, एक पिता होने के नाते चाहिए, वो है आत्मिक हथियार, जिनको आपको पहने रखना है ताकि आप अपने परिवार की रक्षा कर सको। एफिसियो 6 अध्याय में इसके बारे में लिखा है, वचन के बारे में लिखा है, विश्वास के बारे में लिखा है, प्रार्थना के बारे में लिखा है, परमेश्वर की धार्मिकता के बने रहने के बारे में लिखा है, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने के बारे में लिखा है। सो ये सब बातें लिखी है, जिसके बारे में नहीं जा रहा, लेकिन आप एफिसियो 6 अध्याय में पढ़ सकते हो। तो आदमियों आपके लिए, हर एक के लिए आइए, लेकिन आज क्योंकि मैं आदमियों से खासकर बात कर रहा हूं, तो एफिसियो 6 अध्याय बी स्ट्रॉन्ग। एफिसियो 6 अध्याय में क्या लिखा है, आए हम बाइबल में पढ़ेंगे एफिसियो 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सो परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर में बलवंत बनो। वहां भी हमने ये बात को पढ़ा, परमेश्वर में बलवंत होने के बारे में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। एक आदमी जिसको घर का रक्षा करना है, घर को संभाल कर रखना है, शैतान जो युक्तियां आपके खिलाफ, आपके कारोबार में, आपके बच्चों के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ चलाने की कोशिश करता है, अगर आप परमेश्वर के सारे हथियार बांध लोगे, युक्ति नहीं चलेगी। अगर नहीं बांधोगे, उसकी युक्ति आपकी जिंदगी में चल सकती है। इसीलिए परमेश्वर में बलवंत होना है और सारे हथियारों को पहन लेना है, परमेश्वर के उन आत्मिक हथियारों को पहन लेना है, ताकि आप अपने परिवार की रक्षा कर सको, डिफेंस भी कर सको और अटैक भी कर सको, ताकि वो सब ले सको, वो सब ब्लेसिंग्स, वो आशीषें जो इबलीस शैतान ने आपसे चुराई हैं, उसको कई गुना वापस आपको हासिल करना है परमेश्वर पर विश्वास करते हुए। अगली बात, जो आखिरी बात है जो आज मैं करना चाहता हूं, वो है चौथी बात, और जिसके बारे में तीसरे में भी थोड़ा सा बोला, एक्ट लाइक अ मैन, पुरुषार्थ करो, एक पुरुष कैसा होता है। चौथी बात में वो है लव। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का प्रदर्शन किया, प्रेम को दिखाया, प्रेम दर्शाया, बताया पर प्रेम क्या होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में सिर्फ बातें ही नहीं किया, करके दिखाया। बहुत सारे पुरुष लोग, कई बार पति लोग या आदमी लोग अपने घर में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ऐसे होना है, वैसे करना है, जो कि अच्छा है, लेकिन अगर हम खुद नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, हमारे बच्चे, हमारा परिवार भी उन बातों को करने वाला बन जाएगा, लेकिन चलने वाला नहीं बनेगा। तो बाइबल में लिखा है, कर्म बिना विश्वास मुर्दा है, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। तो यानी कि हमें सिर्फ ये बातें करनी ही नहीं है अपने परिवार के बीच में, उनको करके भी दिखाना है। ये ऐसे मान लो एक कोच है, वो बच्चों को कोई चीज की ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन कोच खुद नहीं कर पा रहा। तो अक्सर हम देखते हैं, जब भी किसी टीम के कोच को चुना जाता है, ऐसे लोगों को चुना जाता है जो उस फील्ड में रह चुके हैं और जिनको मालूम है कैसे करना है, ताकि वो दूसरों को भी बता सके इस तरीके करना है। जैसे मैं बहुत साल पहले जब जिम जाना शुरू किया, पहले मैं थोड़ा थोड़ा घर में एक्सरसाइज करता था, तो जब मैंने 15-16 साल की उम्र में जब मैं जिम में गया, तो मैंने देखा वहां पर कोच है और मैं खुद एक्सरसाइज लगा रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं तो 1.5 साल से घर में लगा रहा हूं, लेकिन वो मेरे पास आया और उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लगाना है। और मैंने उसका रिजल्ट देखा, मुझे बहुत फायदा हुआ। उसी तरह से
हमें सिर्फ बात ही नहीं करना, हमने परिवार को करके दिखाना है, हमें बताना है ऐसे किया जाता है प्रेम, ऐसे चला जाता है खराई में, ऐसे परमेश्वर को पहला जगह दिया जाता है। आपको करके दिखाना है, देखो हम रिश्तेदारियों के आगे नहीं झुके, समाज के दबाव के आगे नहीं झुके, लेकिन देखो हमने परमेश्वर के वचन को थामे रखा है। जब आप ऐसा उदाहरण बनोगे, आपकी पीढ़ियां भी इस उदाहरण को लेकर चलेंगी। लेकिन जब पुरुष अच्छा उदाहरण नमूना नहीं बन पाते, तो अक्सर परिवार में सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, लेकिन कोई उसके मुताबिक चल नहीं पाता। जैसे एक आदमी, एक पिता अपने घर में कारोबार करके दिखाता है और फिर बच्चों को सिखाता है, कहता है ऐसे मैंने कारोबार किया, अब तुम भी ऐसे कारोबार करो। उसी प्रकार से आपको वचनों पर चलना है, विश्वास दिखाना है, परमेश्वर में दृढ़ होकर दिखाना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को जाहिर करके दिखाना है, दिखाना है प्रेम कैसे किया जाता है। तो चौथी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो परमेश्वर से प्रेम करना है और दूसरा क्या है, अपने पड़ोसी से भी उसी प्रकार प्रेम रखना है, जिसमें दुश्मन भी काउंट हो सकते हैं। यानी कि प्रेम, आपको प्रेम दिखाना है। सो प्रेम आपकी जिंदगी के द्वारा जाहिर होना चाहिए। प्रेम अगर गलती कर ले तो माफ करना भी जानता है और माफी मांगना भी जानता है। तो एक चीज जो आपके जीवन में दिखना बहुत महत्वपूर्ण है वो प्रेम, और बाइबल में लिखा है प्रेम सा व्यवस्था को पूरा करना है। सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया, पिता ने प्रेम दिखाया, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। जो जिन्होंने सलीब पर चढ़ाया उनके लिए प्रार्थना किया, इनको माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो जो यहूदा इस्करियोती जो धोखेबाज था, उसको अपने मुंह को चूमने दिया। वो पतरस जिसने 3 बार यीशु मसीह का इंकार किया, उसको भी उन्होंने प्रेम दिखाया। जब जी उठे तो पतरस के पास संदेश भेजा, जाओ जाकर पतरस को बताओ मैं जी उठा हूं। हालेलुया। सो आए हम क्यों ना आज अपने जीवन में फैसला लें इस प्रेम में बने रहने का। और ये सारी बातें जो आज हमने सीखी है, मेरी प्रार्थना है, हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं भाइयों के लिए, पुरुषों के लिए, पतियों के लिए, प्रभु जी खासकर पूरे परिवार के लिए, ये मसीह का स्वभाव और ये जो आज हमने आपके वचनों से इस पहले सत्र में पार्ट 1 में फैमिली सीरीज में सीखा है, होने दे ये सब बातें आज हमारी जिंदगी के ऊपर लागू हो जाए। ये हमारे बल और शक्ति से नहीं होगा, ये आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। यीशु, कुछ भी आज करना कठिन नहीं है, आपके वचन के मुताबिक चलना मुश्किल नहीं है। लोग कहते मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अपनी शक्ति से करने की कोशिश करेंगे मुश्किल है, आपके दिए हुए अनुग्रह के द्वारा कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए, मेरे लिए, इन सब के लिए काफी है, ताकि हम इसके मुताबिक जिंदगी जी सके, अपने लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमेन।